Very good morning to all of you. Dear student, myself Khushbu, your English teacher. Welcome to White House Public School for online teaching program of English subject. Dear student, our book name is New Learning to Communicate of Standard 3. And from this book, we are getting one moral idea from our lesson, Puppy in the Well. But student, before we start our new lesson, I want to tell you one short story which is related with our lesson. Student, before we explain our lesson, you please listen short story and try to correlate with our chapter. Let's share one story. One day, there was a big storm in the jungle. Jungle ke andar bahut bada tufaan aaya tha. All trees are dangerously shaking. Sare trees hil rahe the. On the mango tree, there was a nest of sparrow which was fell due to hard storm and she lost her home. Tufan ki wajah se sparrow ne apna nest kho diya. But her friends helped her and made big nest. Par uske friend ne uski madad ki aur bahut bada nest बना दिया. Dear student, in this story, we have to learn to help each other in every situation. Now student, through this story, we have to explain our new lesson, The Puppy in the Well. Six, yelled Satish. The ball flew off his bat. It went high in the air. Then it fell into an old well nearby. Satish जोर से चिल्लाया six, पर बॉल जा गिरा जो वहां पे पुराना well था वहां पे जा गिरा. Oh no, mourned Rajni. Who was the bowler? Why did you hit it there? कौन था बॉलर वहां पे क्यों हिट किया? Listen, said Dilip. दिलीप ने कहा सुनो. फ्रॉम द वेल केम द साउंड ऑफ बाकिंग. सुनो वेल में से किसी के बाक करने की आवाज आ रही है. द चिल्ड्रन रश्ड टू द वेल. सारे बच्चे वेल के पास गए. एंड लुक्ड इन और देखा. एट द बॉटम देयर वॉज ओनली वेट मड एंड सम प्लांट्स. इन द मिडल ले अ पप्पी. वेल में देखा थोड़ा सा गीला मट था थोड़े प्लांट्स थे और बीच में पप्पी. शी वॉज लुकिंग अप एट द चिल्ड्रन एंड बार्किंग. उसने बच्चों के सामने देखा और जोर से बाक किया. पुअर थिंग सेड रजनी. बिचारी. हाउ कैन वी हेल्प हर. हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं. वी नीड अ लैडर टू गो डाउन सेड दिलीप. दिलीप ने कहा हमें एक लैडर चाहिए. सतीश शो एन ओल्ड बकेट. सतीश ने वेल के पास एक पुरानी बकेट देखी. एंड अ रोप लाइंग बाय द वेल. आई हैव एन आइडिया ही सेड. सतीश ने कहा मेरे पास एक आइडिया है. लेट्स ब्रिंग द पपी अप इन द बकेट. बकेट की मदद से हम पपी को ऊपर ला सकते हैं. गुड सेड दिलीप. दिलीप ने कहा अच्छा. बट Who will put the puppy in the bucket? पर पपी को बकेट के अंदर कैसे डाले? The children thought for a while. चिल्ड्रन थोड़े मिनटों के लिए सोचने लगे. I have some biscuits, said Rajni. रजनी ने कहा मेरे पास थोड़े से बिस्किट्स हैं. Taking them out of her pocket. पॉकेट में से थोड़े बिस्किट निकाले. Let's put them in the bucket. चलो बकेट के अंदर हम डाल दें. The puppy may go for them. शायद पपी उससे सुन के आ जाए. Satish hugged his sister. Satish ने अपनी सिस्टर को हग किया. That's clever, he said. Let's see if the plan works. चलो देखे प्लान काम कर कहता है नहीं. Dilip picked up the old bucket. दिलीप ने पुरानी बकेट उठाई. He shook out the rubbish from it. Satish pulled at the old rope. It is Still strong, he said. Rajni put the biscuit in the bucket.
रजनी ने थोड़े बहुत बिस्किट बकेट के अंदर डाले। द चिल्ड्रन लोवर्ड द बकेट टू द बॉटम ऑफ द वेल। देन सतीश शुक द रोप एंड द बकेट फेल ऑन इट्स साइड। सतीश ने थोड़ी रोप घुमाई और बकेट वेल के अंदर डाली। द पपी बार्क्ड एट द बकेट। पपी ने बकेट के सामने देख के भौंकना स्टार्ट किया। ऑन द मड फ्लोर बट शी स्मेल्ड द बिस्किट। पर उसे बिस्किट की बहुत अच्छी स्मेल आने लगी एंड बिकेम इंटरेस्टेड। और उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फर्स्ट शी पुट हर नोज इनटू द बकेट। पहले उसने बकेट के अंदर नोज डाला। देन हर फ्रंट पोज, फिर फ्रंट पोज डाला। देन हर हेड, फिर हेड। नाउ शाउटेड सतीश। अब सतीश चिल्लाए। द थ्री चिल्ड्रन पुल द रोप। तीनों बच्चों ने रोप खींची एंड वेरी सरप्राइज्ड पप्पी डिप्ड इनटू द बकेट। और पप्पी बकेट के अंदर आ गया। नाउ लेस देन अ मिनट द पप्पी वाज अप अमंग द चिल्ड्रन। अब थोड़ी मिनटों में ही पप्पी चिल्ड्रन के पास आ गई। शी वाज कोल्ड एंड शेकिंग। वो ठंड के मारे कांप रही थी। रजनी हेल्ड हर। रजनी ने उसे पकड़ा। यू विल बी फाइन शी सेड। रजनी ने पप्पी को कहा तू अब फाइन है। नॉट बैड सेड सतीश। वी लॉस्ट अ बॉल एंड फाउंड अ पप्पी। हमने भले बॉल को खो दिया लेकिन हमें पप्पी मिल गई। डियर चिल्ड्रन थ्रू दिस लेसन वी हैव टू लर्न हाउ टू हेल्प अवर फ्रेंड्स और एनिमल्स इन एनी सिचुएशन। थैंक यू स्टूडेंट।